कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, मारा गया पांचवा आतंकी। दक्षिण कश्मीर में चल रहे मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर। कुलगाम में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। चिन्नीगम और मॉडरगम में घेरे गए आतंकी, हिजबुल्ला के टॉप आतंकी के घिरे होने की सूचना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, भक्तों में उत्साह का माहौल। भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा, एक महिला की मौत, 4 लोग घायल हुए। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के सूरत में बारिश के चलते बड़ा हादसा, 6 मंजिला इमारत धराशायी। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी। आपको बता दें, मलबे से शव बरामद किए गए हैं। हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी, स्थानीय लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर। असम में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 52 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हुए, अस्थायी स्थान पर रहने को मजबूर। हरिद्वार में अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ा, श्रद्धालुओं को जारी किया गया अलर्ट। राजस्थान के दौसा में दिल दहलाने वाला वाकया, 10वीं क्लास के एक छात्र की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत हुई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन, दिल्ली में 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त। पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा, स्पेशल सेल ने ड्रग्स की खेप पकड़ी। बुलंदशहर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, क्राइम ब्रांच ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उधर चमोली के आदि बद्री में दर्दनाक हादसा हुआ है, कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एसडीआरएफ पुलिस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन एक महिला की मौत की खबर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल ये आदि बद्री की तस्वीरें हैं, जहां पर एक कार अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक महिला की मौत हो गई, 4 लोगों को हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। तो दर्दनाक हादसा चमोली के आदि बद्री में, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई।